क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है और उसके ऊपर कोई चार्ज है, मे बी नेगेटिव चार्ज मे बी पॉजिटिव चार्ज, वो चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसमें से या तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया या आपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। तो जैसे इस बॉडी में से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसके पास क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। तो इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई क्योंकि मैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। तो इसके ऊपर जब 10 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने 10.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए या 11.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए या 13.5 इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता। तो इसके अंदर मैंने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, फिर एन इज द होल नंबर। तो इसीलिए इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो एन इंटू ई होगा, फिर एन कैन बी 1, 2, 3, 4 और एनीथिंग। और उसी तरीके से अगर मैंने किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए तो या तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, दो दिए, तीन दिए या एन इलेक्ट्रॉन दिए, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो मैंने फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो इस मेथड को, जिसमें द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ विच एनी चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ सर्टन मिनिमम चार्ज, तो इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो एन इंटू ई पॉजिटिव होगा या एन इंटू ई नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब, या तो जैसे एन का मतलब 2 है, दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2e पॉजिटिव होगा और दूसरी बॉडी पे 2e नेगेटिव होगा। इसलिए यहां पर साइन क्या लगा दिया? प्लस माइनस, क्योंकि किसी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे और किसी को इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, तो किसी पे चार्ज पॉजिटिव होगा, किसी पे नेगेटिव होगा। तो ये इस मेथड को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, क्या कॉज है क्वांटाइजेशन का? कि एक बॉडी को इलेक्ट्रॉन जो मिले या जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो वो हमेशा होल नंबर होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। एंड दिस इज द रीजन ऑफ क्वांटाइजेशन। तो नेक्स्ट है, चार्ज एडिटिव है, चार्ज को ऐड कर सकते हैं, चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपको मालूम है, क्यू प्लस 2q विल गिव 3q, ये मेथड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेशन। एक बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस करना है तो कोई और बॉडी चाहिए होगी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी बॉडी में डालने हैं, या अगर किसी की डेफिशिएंसी कंप्लीट करनी है तो किसी और बॉडी के इलेक्ट्रॉन निकाल के उसकी डेफिशिएंसी पूरा करेंगे। तो कम से कम दो बॉडीज चाहिए जिससे कि चार्ज को बनाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। अकेले में, आइसोलेशन में, ना चार्ज को आप खत्म कर सकते हो ना बना सकते हो। नेक्स्ट है, रिपल्शन कैन ओनली कंफर्म दैट ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड। तो अब वो कैसे? आप एक चीज बताओ मुझे कि सपोज करो आपके पास ये एक बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इसके सामने आप एक न्यूट्रल बॉडी रख दी, तो इंडक्शन हो गई। इंडक्शन हुई तो क्या हुआ? नेगेटिव ने पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव जनरेट किया, ये इंडक्शन से हुआ चार्ज। तो ये बॉडी इस बॉडी को अब क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, मानते हो? अट्रैक्ट करेगी, जबकि इस बॉडी पे ओरिजिनल चार्ज क्या था? था ही नहीं। दिस बॉडी वॉज इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब इसका मतलब, अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास दो बॉडीज हैं और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। हो सकता है कि ये पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडीज भी एक दूसरे को क्या कर सकती हैं? अट्रैक्ट कर सकती हैं। एग्री करते हो? तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि सेकेंड बॉडी न्यूट्रल है या कोई चार्ज बॉडी है। इसीलिए अट्रैक्शन से आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे या बता नहीं पाओगे कि ये बॉडी चार्ज थी या ये बॉडी इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। इसीलिए हम क्या लेते हैं, इसीलिए दो केस हैं। ये दोनों, अगर दोनों बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो दो केस बन सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव और न्यूट्रल। तो आप अट्रैक्शन से नहीं बता सकते हो कि इस बॉडी पे चार्ज था या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, पर रिपल्शन में बता सकते हो। रिपल्शन में, क्योंकि बाय इंडक्शन चार्ज हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो अगर कोई दो बॉडीज आपस में रिपेल कर रही हैं तो पक्की बात है कि चार्ज बाय इंडक्शन तो आया नहीं होगा। इसका मतलब कि वो ओरिजिनल चार्जेस होंगे दोनों बॉडीज के ऊपर, जिससे कि दो बॉडीज आपस में क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर एक बॉडी नेगेटिव है, दूसरी नेगेटिव है, इसका मतलब ये इसमें एक्चुअल चार्ज नेगेटिव होगा, ये इंडक्शन का चार्ज नहीं हो सकता। इसीलिए रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट कि बॉडीज के ऊपर चार्ज बताया जा सकता है कि इसके ऊपर चार्ज होगा और ये न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए रिपल्शन का टेस्ट ज्यादा बड़ा टेस्ट है, राइट?